का छोटा सिर खराब हो गया, मेन सावट का बैरिंग टूट गया, उसके बाद इसकी जो मेन सावट के ग्रुप है वो भी ख़राब हो गए। खेत में इसको खोलकर देखा गया था, दो हिस्सों में किया इसको, मेन सावट की सील भी कट गई जिससे क्लच प्लेट पर पूरा तेल आ गया था, सी ऑयल, क्लच प्लेट ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब इसको एजेंसी लेके जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। पार्ट्स के ऑर्डर कर दिए, लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे, दोबारा से फिर सही हो जाएगा ये। एजेंसी यहाँ पर हरिद्वार है, इसको हरिद्वार ही लेके जा रहे हैं। चैन से बांध रखा है इसको, ये सामने हम महिंद्रा 575 DI है जिससे इसको लेकर जा रहे हैं। पीछे इसलिए नहीं बांधा कि चैन लंबी होने के कारण अगर अगला ट्रैक्टर ब्रेक देगा तो सही से ना चल पाए, ना सही से ब्रेक लग पाए, इसलिए इसको आगे से ऊपर उठा लिया। अब इसको जितनी स्पीड पे ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। ये देखिए साल में पहली बार इसमें कुछ हुआ है ट्रैक्टर में, वरना अभी तक इसमें कोई मेंटेनेंस, कोई खास मेंटेनेंस नहीं हुआ अभी तक, हल्का फुल्का तो चलता रहता है। चेंज तो इसको घर पर भी करा सकते थे, लेकिन एजेंसी जाना ज़्यादा सही रहा कि एक तो वहाँ पर सारा सामान मिल जाएगा और मिस्त्री को भी सारे औजार वहीं पर मिल जाएंगे, जिस वजह से इसको एजेंसी लेके जा रहे हैं।